दोस्त मैंने आपको बोला क्या? तो उसको बोलना पड़ेगा ना। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला सलीम और आप देख रहे हैं एम4 मूवीज। सो गाइस, आई नो कि वीडियो काफी ज्यादा लेट आ रही है मेरी स्टडी की वजह से, तो गाइस लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वन वीक में एक वीडियो तो जरूर लाऊं और आप लोगों को एक वीक के अंदर अंदर एक वीडियो तो जरूर मिल ही जाएगी। तो इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझसे कोई से भी सुपर हीरो मूवीज से या फिर डिफरेंट मूवीज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप लोगों ने पहली बारी में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन के आंसर दूंगा, तो उन क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए फर्स्ट एपिसोड को शुरू कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अरीबा नाज की तरफ से है कि बैटमैन और जोकर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बैटमैन, क्योंकि बैटमैन सिर्फ अकेला वही शख्स है जो जस्टिस लीग को आराम से हरा सकता है और उनकी कमजोरियों को भी वो अच्छे से जानता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक भी बैटमैन इसलिए है क्योंकि उसके पास हर चीज की नॉलेज है, और जिसके पास हर चीज की नॉलेज हो वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो सेकंड क्वेश्चन नसीम अख्तर की तरफ से है कि क्या वांडा विजन से ज्यादा पावरफुल है। तो जी हाँ, वांडा विजन से काफी ज्यादा पावरफुल है और वो विजन को आराम से हरा भी सकती है। अगर आपको वांडा की पावर्स का अंदाजा लगाना है तो आप लोग एंड गेम देख सकते हैं, जिसमें वांडा ने थानोस का इतना बुरा हाल कर दिया था कि उसको रेन फायर करानी पड़ी थी। और अगर आपने हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन पढ़ी है तो उसमें वांडा ने सिर्फ तीन अल्फाज कहे थे और वो थे नो मोर म्यूटेंट्स, जिससे 90% म्यूटेंट्स खत्म हो गए थे। वांडा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो विजन को आराम से हरा सकती है, जैसा कि हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही देखा। जब हॉकाय और विजन की लड़ाई हो रही होती है तो वांडा विजन को आराम से कंट्रोल कर लेती है। बस फर्क इतना है कि वांडा और विजन की लड़ाई अगर स्पेस में हो तो विजन उसमें आराम से जीत सकता है, क्योंकि वांडा को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो स्पेस में नहीं ले सकती, लेकिन विजन को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक मशीन है। तो विजन वांडा को आराम से स्पेस में हरा सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन मोहसिन अली की तरफ से है कि क्या आयरन हर्ट की सीरीज में आयरन मैन हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आयरन हर्ट की सीरीज में आयरन मैन होगा और इसके चांसेस भी ना के बराबर हैं, क्योंकि आरडीजे कभी भी वापस आने के लिए राजी नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आयरन हर्ट की सीरीज में टोनी स्टार्क का कोई एआई वर्जन दिखाया जाए या फिर उसके आगे की सीजंस में भी दिखाया जा सकता है। बाकी आरडीजे का वापस आना आयरन मैन के रोल में बिल्कुल ना के बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोहसिन अली की तरफ से है कि क्या वास्प एंडमैन से ज्यादा पावरफुल है। तो देखा जाए तो वास्प के सूट में विंग्स हैं और एनर्जी ब्लास्ट हैं, जो कि एंडमैन के सूट में नहीं है। और हम लोगों ने जैसे एंटमैन एंटी वास्प में भी देखा कि एंटमैन के पास सही सूट नहीं था, जिसकी वजह से वो सही तरीके से लड़ नहीं पा रहा था, लेकिन वास्प काफी अच्छी तरीके से लड़ रही थी और वास्प को हमने एंड गेम में भी काफी अच्छी तरीके से लड़ते हुए देखा। लेकिन हम लोग एंटमैन को भी नहीं भूल सकते, जो कि फाइटिंग में भी काफी अच्छा है और उसका क्वांटम रियम का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। लेकिन मेरे कंक्लूजन के हिसाब से वास्प एंटमैन से ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप 5 की तरफ से है कि इंटरस्टेलर और प्रीडेस्टिनेशन में से बेस्ट मूवी कौन सी है। तो मैंने दोनों ही मूवीज देखी है और दोनों ही काफी डिफिकल्ट थी समझने के लिए और काफी अच्छी भी थी, जो कि काफी इमोशनली अपने आप से कनेक्ट करती हैं। प्रीडेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी है जो आपको शुरू में काफी ज्यादा कंफ्यूज करके रखेगी, लेकिन उसके एंडिंग होते होते आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जबकि इंटरस्टेलर एक ऐसी मूवी है जो आज तक मेरे बिल्कुल सही से समझ नहीं आई। इंटरस्टेलर आपको काफी ज्यादा इमोशनली भी कनेक्ट करके रखेगी हर एक करेक्टर से, और उसको आप अपनी फैमिली के साथ भी आराम से देख सकते हैं, लेकिन वो आपके समझ नहीं आएगी। जबकि प्रीडेस्टिनेशन एक ऐसी मूवी है जो कि आराम से समझ आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीडेस्टिनेशन एक फालतू मूवी है, वो भी काफी अच्छी है, लेकिन इंटरस्टेलर एक बेस्ट मूवी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इंटरस्टेलर प्रीडेस्टिनेशन से ज्यादा अच्छी है। और अगर आप लोगों ने दोनों मूवीज नहीं देखी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों मूवीज देखें, दोनों काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो लास्ट क्वेश्चन भी अरीबा नाज की तरफ से है कि क्या विनोद थानोस को बीट कर सकता है। तो अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो विनोद आराम से थानोस को बीट कर देगा, लेकिन अगर पावर्स के हिसाब से देखा जाए तो विनोद की सोशल मीडिया पावर काफी अच्छी है, तो मेरे हिसाब से विनोद थानोस से ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस, मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी जो कि आप लोगों को पहले ही पता लग गई होगी। लास्ट वीक मार्वल की तरफ से बहुत ज्यादा अपडेट्स आई उनकी फिल्मों से रिलेटेड, जिसमें मेजर अपडेट फैंटास्टिक फोर की थी कि उसके ऊपर एक मूवी बनेगी, जिसमें उन लोगों ने लोकी, वांडा विजन, व्हाट इफ, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के नए ट्रेलर रिलीज किए, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग थे। मैंने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ही फजूल होता कि मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्स दूं, क्योंकि यूट्यूब पर काफी ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है इसके ऊपर हिंदी और उर्दू में, जो कि आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो गाइस, ये मूवी क्यूएनए के फर्स्ट एपिसोड का एंड था। आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी सिलेक्ट हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो इस वीडियो के नीचे आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी मूवी से रिलेटेड या फिर सुपर हीरो मूवी से रिलेटेड, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
अपने कलम की गोलो जाई कल तो ही कल में तो नहीं जाए सुमिला है ना तू।